यार हर कोई पलट के देखता, हम इस चीज से बड़े परेशान हैं, थोड़े से भी नहीं उठते। तो ये है रामपुर की कोठी खास बाग, मतलब रामपुर में फेमस जगह है, और ये किसी ज़माने में बड़ी ख़ास कोठी हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है नहीं है। लेकिन इसको जो है आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो है कोठी खास बाग है, और ये काफ़ी जो है लंबी है, दूर तक जा रही है, और हम इसको जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको जो है इसके बारे में जो है दिखाते चले जाएंगे। तो ये है कुछ एक नज़ारा जो है रामपुर की कोटी खास बात। तो ये काफ़ी लंबी है, आप इसको देख सकते हैं, ये और ये मतलब वहाँ तक जाती है पार तक, वहाँ से जो ये आ रही है धीरे 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 यहाँ से आकर, और यहाँ से भी जो है ये इतना पार तक जाएगी जिसका जो है कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसको जो है जो नाम इसका रखा गया था कोठी खास बाग, तो वो जो है बहुत सोच समझ के रखा गया है, इसलिए ये ख़ास भी है। लेकिन अभी जो है इसमें अभी के टाइम पर जो है इसके अंदर जो है समरसेबल है, पानी फिटिंग है, वो सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, और मलबा है वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो इधर को जो है, खेती के बराबर में जो है, और इधर को भी जो है ये बनी हुई है। तो आगे चल के दिखाऊंगा, चलो भाई गाड़ी आगे चलाओ ज़रा। लोग आ गए हैं थोड़ा सा आगे की ओर जो है, और जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो वाला रास्ता है ये, और हमारे पीछे, और इधर को भी एक इसकी कोठी है शायद छोटी सी, तो वो हम बाद में दिखाएंगे। और ये वाला है इधर, तो इसमें शायद कुछ फैमिली वगैरह रहती हैं, तो उनका वो अपना काम कर रही है, तो वैसे ही है। और इसकी हाइट में अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये जो है 1 किलोमीटर से तो ये ज़्यादा ही होगी। ये स्टार्ट कहाँ से है, ये यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये वहाँ तक जाएगी पूरी पार, वो जो ऊंचा ऊंचा सा दिख रहा है उसको भी जो है ये पल्ली पार तक वहाँ पर जाकर जो है ये कोठी खास है। मतलब ये किसी ज़माने में ख़ास हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है बस खाली मलबा ही पड़ा है। ये कितने तार हैं, ये देखने में तो डरावनी सी लगती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि इसको देखकर जो है डरा जाए, वो डरने वाले डरते रहें, लेकिन ये इसकी जो दीवार है ये इतनी मोटी मोटी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। चीन की दीवार के बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ उतनी ही। और ये मतलब मेन रास्ता है यहाँ से, नॉर्मली अभी गाड़ी मैंने छोड़ दी है क्योंकि किसी से इसको कैप्चर करूँगा। और ये जो है पहले ज़माने में इसमें जो कुछ भी होता होगा, लेकिन ये लग तो ऐसी है जैसे ब्रांच सी टाइप की हो, और देखने वाले शायद डर जाते हैं इसी वजह से। लेकिन इसमें जो है हरियाली भी है, जैसा आप ये देखेंगे इसमें तो ये हरियाली भी है, और इसको जो है अच्छा है देखने में। लेकिन इसको क्या है, लोग यहाँ जो है शाम में जो है रिक्शे वाले हैं वो बैठ जाते हैं। ये देखो ये ट्रक है इसके अंदर, और ये मतलब बहुत पुराना सा गल गया है, इसके पार्ट्स भी जो बचे नहीं है आपको दिख भी नहीं रहा होगा। और ये जो है इसी के जो आगे चल के जो है वहाँ पर जो है मेन रोड आ जाएगा सिविल लाइन वाला, और हम लोग आए थे इस रास्ते से, तो इसको देख सकते हो ये है। तो ये है रामपुर की कोठी खास बाग, और इसकी दीवारें इतनी इतनी ऊंची हैं इसमें ये कि बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं कि इसमें जो है कुछ रहस्य भी है, मतलब भूत प्रेत की कहानियाँ वगैरह ये वो सब करके, लेकिन मैं मानता नहीं, तो मैं जानता भी नहीं। ये देखो हरियाली भी है, तो शायद अब इसमें क्या है, कुछ जो सरकारी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, क्वार्टर टाइप का, इसमें क्वार्टर टाइप का बना दिया है, तो इसमें जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट लोग हैं वो शायद रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। तो इसकी जो पानी की सप्लाई है यहाँ पर, लाइट फिटिंग तक की है, तो वो जो है सारे का सारा जो है ये लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, सब अपने उसमें लेते हैं। ये देखिए मतलब हर एक छोटी से छोटी भी जो हवेली है इसकी, वो कोठी के तरह बनी हुई है, मतलब उसी टाइप की बनी हुई है। ये देखो ये जो है ये वाइट है, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि ये नई हवेली है, ये है पुरानी ही, लेकिन इसको जो है पेंट करके जो है इसमें इसको नया कर लिया गया है, क्योंकि इसमें कोई शायद बड़े ओहदे का अधिकारी जो है शायद रहता है। तो ये है रामपुर की कोठी खास बाग, और मैं हूँ और मेरा साथी है ये सलमान, और जो है आज हम की कुछ कहानियाँ हैं कि यहाँ भूत प्रेत रहता है या जो भी है। और ये जो पीछे जो आप देख रहे हैं हवेली, ये जो है कुछ इसको सरकारी काम में लेकर कुछ ऑफिशियल इसका जो है बना दिया गया है, और इसी के अंदर से जाता है रास्ता, तो हम उसी रास्ते जाएंगे।